बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान हूँ शाहिद इकबाल। अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंग्लैंड से एक बड़ी खबर आ गई है, जो कि इंग्लैंड हुकूमत का पाकिस्तान तुर्की में नया मनसूबा बनाने पर गौर। लेकिन ये मनसूबा कौन सा है और किन लोगों के लिए है? इस न्यूज़ की तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले अब छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लोगों के अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर कर दिया करें, यानी व्हाट्सएप के अलावा जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन लोगों पर भी शेयर ज़रूर दिया करें। दोस्तों, इंग्लैंड का बड़ा इकदाम पाकिस्तान तुर्की में गैर मुल्की पनाहगाहें बनाने का इरादा रखता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट आ गई है कि बरतानिया अफगान पनाहगज़ीनों के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक में गैर मुल्की पनाहगाहें कायम करने का इरादा रखता है। जैसा कि वज़रा तस्लीम करते हैं कि बरतानिया काबुल से फ़ौज के इंदराज से कबल आबादकारी के अहल अफराद को नहीं बचा सका। वज़ीर दिफा बैनुल वैलस ने इतवार के रोज़ एक अखबारी मजमून में कहा है कि बरतानिया ने अफगानिस्तान से बाहर पूरे खत्ते में प्रोसेसिंग हैबस कायम करने का इरादा किया है। अफगानों के लिए ये जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम 1429 अफगानियों को गुज़िश्ते जुमे से काबुल से निकाला गया। अरब के नकल मकानी के स्कीम के एक हिस्से को तौर पर, जो कि तर्जमानों और दीगर लोगों की मदद के लिए बनाई गई हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में अपने 20 सालों के दौरान अंग्रेज़ों की मदद की थी, लेकिन अंदाज़ा लगाया गया है कि इसी तरह की तादाद या ज़्यादा मुल्क में बाकी है। हंगामी हवाई अड्डे इतवार को जारी थे। हवाई अड्डे के दरवाज़ों कुचलने के बावजूद भी आरएएफ की परवाज़ें काम कर रही थीं, क्योंकि मायूसी अखबार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। नेटो का ख्याल है कि पिछले हफ्ते में हवाई अड्डे के इर्द गिर्द 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन बरतानिया के मसला अफाक के वजीर जेम्स हैपी ने कहा है कि हवाई अड्डे के बाहर बहाव में बेहतरी आई है, क्योंकि तलबान लोगों को अमरीकी इनखला और बरतानिया के इनखला के अलग अलग कतारों में मशरा कर रहे हैं। हैपी ने कहा कि मजमूई तौर पर 1700 अफराद बरतानिया अफगान और इतिहादी ममालिक के लोगों को गुज़िश्ते 24 घंटे के दौरान 8 परवाज़ों पर काबुल से निकाला गया है, लेकिन बरतानिया अहदेदार पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि काबुल से बाहर आने वाले लोगों को निकलना अमली तौर पर नामुमकिन है। हालांकि अफगान ने दावा करते हुए खैराती कारकुनों से कहा कि अगर वो जानते हैं कि इनके पास परवाज़ है तो वो मुल्क अबूर करने का ख़तरा मोल लेंगे। वालस ने इतवार को मेयर में एक मजमून में कहा कि नई तजवीज़ एमरजेंसी से पैदा हुई है, स्कीम वक्त महदूद नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े रहेंगे और आप तहकीकात कर रहे हैं कि तीसरे ममालिक और पनाहगज़ीन कैंपों लोगों को कैसे कार्रवाई की जाए। तलबान काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कंट्रोल आ। दोस्तों, ये थी अपडेट कि ये अब पाकिस्तान और तुर्की समेत जो है कह रहे हैं कि हम जो है ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसा है मुमकिन। भारत एक अपडेट थी, मजीद अपडेट्स के लिए क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।